So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to read the brochure. हम campus placement program का brochure पढ़ेंगे. तो जो भी newly qualified CAs है तो उनके लिए ये campus placement brochure है. तो इसमें तो सबसे पहले about ICI बता के रखा है and then objective of CMINB. तो committee of members, ठीक है, CM मतलब committee of members in industry and business. तो committee of members in industry and business पर्टिकुलर मेंबर की कम्युनिटी, राइट, कमिटी, पर्टिकुलर मेंबर की कमिटी इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस. तो इधर बोल के रखा है कि ICI क्या कर सकता है आपके लिए. एक्ट एज अ फैसिलिटेटर टू ब्रिंग द रिक्रूटर. तो एक वो फैसिलिटेटर बन सकता है कि वो रिक्रूटर को पोर्टल पर लेकर आए, और रिक्रूटर को लेकर आए और आपको जॉब प्रोवाइड करे. वेब पोर्टल है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड शॉर्ट लिस्टिंग, की ये रजिस्ट्रेशन एंड शॉर्ट लिस्टिंग. साइकोमेट्रिक टेस्ट और रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है इफ़ रिक्वायर्ड. इंटरव्यूज भी फैसिलिटेट करवा सकते हैं. अब इम्पॉर्टेंट ये है कि न्यूली क्वालिफाइड CAs को अदर फ्रेशर से क्यों प्रेफर किया जाता है. और NQCF मीन्स न्यूली क्वालिफाइड CAs, राइट. फिर पर्टिकुलर कुछ मैसेज है, राइट. अब देखो, हु कैन टेक पार्ट इन ICI कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है. तो लिखा हुआ है कि एनी ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज स्टैंडिंग इन द मार्केट एंड बाउंड्री of its business can take part in the campus placement program held at several centers. तो इधर ये campus interview शेड्यूल हुए जिसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, पुणे, ये सब एरियाज हैं जहाँ पे campus placement होंगे. तो स्टार्ट तो 10 मार्च से ही होने हैं और आज है 16 फेब. एंड सबसे लास्ट में कोयम्बतूर एंड इंदौर का देकर रखा है 25 अप्रैल एंड 26 अप्रैल. स्टार्टिंग है 10 मार्च से स्टार्टिंग है एंड एंडिंग जो है 26 अप्रैल तक है. ये टैरिफ है रिक्रूटिंग एंटिटीज़ का, कि जो एंटिटीज़ रिक्रूट कर रही है ये उनका टैरिफ है. क्या मुंबई एंड दिल्ली में हो और एंटिटीज़ को रिक्रूट करना है तो आपको इतना पे करना पड़ेगा. फिर बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, राइट. फिर इंदौर में आता है कि day 1 day 2, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 दिन का ही है. तो इंदौर में ये बोल के रखा है कि पहले 50,000 और फिर 25,000. मतलब कंपनीज आती हैं यहाँ पर, थाने, नोएडा, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, और अलग से GST भी पे होगा. तो ये तो एक तरीके से रिक्रूटिंग एंटिटीज़ का है और उनका बता के रखा है कि ये पेमेंट का मोड रहेगा. अब ये डे प्रीमियर एंड अदर डेज ये क्या होते हैं एंड नॉर्म्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ डे स्लॉट. तो इसके भी नॉर्म्स है कुछ. तो priority 1, priority 2 एंड देन डे की लिस्ट. तो डे प्रीमियर में क्या है, जो कंपनी पे करी CTC, तो हम इधर देखें तो 9 लाख पर एनम एंड अबव, एंड देन 7 लाख पर एनम एंड अबव, देन 6.5 लाख पर एनम एंड अबव, राइट. ये priority 1 है. दूसरा क्या, कि कंपनी जिन्हें रिक्रूट करना है 10 कैंडिडेट से ज़्यादा, प्लस फिर इधर बार कर दिया कि इधर आप मोर देन 17 लाख रख दिया, कि 20 लाख से ज़्यादा तो नहीं, तो ऐसे केस में आप 17 लाख या उससे ज़्यादा दे रहे हो, पर आप फिर एटलीस्ट 10 से ज़्यादा सिलेक्ट करो. फिर दूसरा है कि इधर जैसे 12 लैक्स था तो इधर बोल दिया कि 10 लैक्स से ज़्यादा आप पे करो और रिक्रूट करो मोर देन 20, फिर रिक्रूट मोर देन 15, CTC मोर देन 8, रिक्रूट मोर देन 10, CTC मोर देन 6.5, रिक्रूट 5, CTC मोर देन 6 लैक्स. तो अगर आप देखो तो बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, इधर 20 लाख पर एनम का, सबसे पहले तो 20 लाख पर एनम है, तो सबसे ज़्यादा 20 लाख पर एनम या उससे अबव, और लोएस्ट में 6.5 आ रहा है. इधर जो है फिर अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, पुणे, ये CTC 10 लाख पर एनम एंड अबव. फिर वही priority 2 क्या है, कि अगर आप 10 से ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट कर रहे हो तो CTC 6 लाख तक भी चलेगा, मतलब 6 लाख मिनिमम 6 लाख या उससे ज़्यादा भी चलेगा. पर इम्पॉर्टेंट ये है कि मिनिमम CTC क्राइटेरिया 6 लाख तो फुलफिल करना ही है, और यही इन्होंने मुंबई में ही बोल के रखा है कि आपको मिनिमम 6 लाख का क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई करना है. फिर ये बोल के रखा है कि मिनिमम CTC क्राइटेरिया एटलीस्ट 6 लाख बिगर सेंटर्स के लिए एंड 5 लाख फॉर स्मॉलर सेंटर. फिर देन ये बोल के रखा है कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, शॉर्ट लिस्टिंग, रिटर्न टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट,
पर ये बोल के रखा है लास्ट डेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन। तो आपको ये लास्ट डेट देख रखी कि ये लास्ट डेट है फॉर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन, फिर आपको फर्स्ट राउंड आप शॉर्ट लिस्टिंग करोगे ना, तो आपको जल्दी से शॉर्ट लिस्टिंग भी करनी रहेगी, तो फर्स्ट राउंड ये भी देख रखा है। तो सपोज करो हम इंदौर का लेते हैं, तो क्या बोल के रखा है कि ऑर्गेनाइजेशन 30 मार्च तक अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, फिर फर्स्ट राउंड होगा, तो फर्स्ट राउंड जो है अगले 5 दिन तक फर्स्ट राउंड हो जाए, एक दो दिन के अंदर कंसेंट दे दो, ये बोल के रखा है ऑनलाइन कंसेंट गिवन बाय द कैंडिडेट। चलो ठीक है, फिर उसके अगले दिन आप सेकंड राउंड करा लो और ऑनलाइन कंसेंट गिवन बाय कैंडिडेट, फिर कैंडिडेट का ऑनलाइन कंसेंट, ठीक है 9 अप्रैल। और अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट लेना है तो 18 अप्रैल तक साइकोमेट्रिक टेस्ट ले लो। तो कौन कौन सी कंपनीज आ रही है वो 23 फरवरी को आपको पता चल जाएगा, राइट। 23 फरवरी को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखो इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करके रखा होगा 22 को, राइट। ये तीनों सेंटर 22 फरवरी का इनका रजिस्ट्रेशन है, तो जैसे ये कंपनीज ने करा दिया 22 फरवरी को रजिस्ट्रेशन, वैसे लिस्ट बना देंगे और लिस्ट बना के आपको पूरा डेटाबेस 23 फरवरी को दे देंगे, राइट। पर रही बात ये जो 30 मार्च को आ रहे हैं उनकी डिटेल आपको 31 मार्च को दे देंगे। फिर ये इंडिकेटिव गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन है, ये है रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन का कि इनको कैसे करना है। तो आप भी देखो सिर्फ हमको ही गाइडलाइन नहीं है, जो सामने जो कंपनीज आ रही है उनके लिए भी गाइडलाइंस है। तो सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन करेंगे, राइट। तो इनका जो भी डेट है, जो लास्ट डेट है, उस डेट तक इन्होंने इनको रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर उनको जो है डेटाबेस का एक्सेस होगा, गेटिंग एक्सेस टू द डेटाबेस फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। फिर डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी कि इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, क्या ग्रेजुएशन ज़रूरी है, कितने साल में आपने कंप्लीट किया CA फाइनल, कितने अटैम्प्ट है, अगर रिक्रूटिंग एंटिटी का एक से ज़्यादा सेंटर में इनका रजिस्ट्रेशन है तो उनका नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल आप मेंशन करो। फिर अगर कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन लेना हो तो वो एक बार बता दो। जॉब प्रोफाइल विद डिस्क्रिप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जैसे कि आपको बताना है कि जैसे कंपनी वाई है, हैज़ पोस्टेड 50 वैकेंसीज ऑन द पोर्टल ऑफ कॉर्पोरेट बैंकिंग, सपोज करो, तो ब्रेकअप आपको बताना पड़ेगा जॉब प्रोफाइल का सबसे पहले कि 50 वैकेंसी है तो क्रेडिट मैनेजर कितना है, रिलेशनशिप मैनेजर कितना है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कितना है, राइट। फिर उनके कुछ रूटीन वर्किंग आवर्स, वो तो 9 से 6 हम मानते ही है, ऐसे कोई शिफ्ट ड्यूटी है क्या, तो वो इंडिकेट करो प्रॉपरली, राइट। और ब्रेकअप ऑफ CTC ये भी बताओ, टेक होम सैलरी ये भी बताओ। फिर एक कैंडिडेट को प्रायर अवेयरनेस रहे तो आपको अपलोड करना पड़ेगा ब्रीफ जॉब प्रोफाइल। तो जो इन्फॉर्मेशन है स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में आपको मिलेगी, ठीक है, तो ये अवेलेबल होगा इस साइट पे। एंड देन जो है रिक्रूटिंग एंटिटी वो फ्री टू शेयर है कि आप कुछ भी जो है शेयर कर सकते हो, फ्री टू शेयर मोर इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन मोर करनी है शेयर तो आप PPT के थ्रू शेयर कर सकते हो, राइट। एंड डैट कुड बी अपलोडेड फॉर व्यूइंग बाय द कैंडिडेट, उसको हम अपलोड कर देंगे और कैंडिडेट्स को व्यू कर सकेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग बकायदा 2 राउंड में होगी, ऑनलाइन शॉर्ट लिस्टिंग, जितनी वैकेंसी इनको फिल करनी है, वैकेंसी डिक्लेयर्ड टू बी फिल्ड अप, उसका 10 टाइम्स, राइट, उसका 10 टाइम्स आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। मतलब ये शॉर्ट लिस्ट करा तो मैक्सिमम आप 10 टाइम्स तक शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। अब सपोज करो ये तो रिक्रूटिंग एंटिटी का है कि वो 10 गुना ही शॉर्ट लिस्ट कर सकती है मैक्सिमम, और कैंडिडेट शैल एबल टू व्यू द शॉर्ट लिस्ट ऑनलाइन, कैंडिडेट भी देख सकते हैं कि देखो हमको किस किस कंपनी ने शॉर्ट लिस्ट करा, अब जिस जिस कंपनी ने किया हो आप मैक्सिमम 4 रिक्रूटिंग एंटिटी को ही ले सकते हो, शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। और जो इंटरव्यू की जो टाइमिंग्स रहेगी वो 9 AM से 6 PM तक रहेगा, और ये जो इंटरव्यू है वर्चुअल मोड में होंगे। जो पर्टिकुलर वर्चुअल इंटरव्यू की लिंक है वो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन टू ऑल कंटेस्टेड कैंडिडेट रजिस्टर ईमेल ID पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, एंड उस लिंक पे जाके आपको इंटरव्यू में पार्ट लेना है। अब ऐसा है कि ऐसा नहीं कि एकदम से इंटरव्यू ले लेंगे, जैसे आप सोचते हो कि इंटरव्यू एकदम से ले लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब क्या है कि एडवांस में आपको 4 दिन पहले एटलीस्ट बताएंगे कि प्लेटफॉर्म टू बी यूज्ड फॉर इंटरव्यू, नंबर ऑफ पैनल टेकिंग पैरेलल इंटरव्यूज, राइट। इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे इंटरव्यू आपका हुआ, अब रिक्रूटिंग एंटिटी आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड रिजल्ट, तो रिक्रूटिंग एंटिटी से आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड रिजल्ट, उनको बोला गया है कि आप रिजल्ट भी अपलोड कर दो सेम डे। तो क्या लिखा हुआ है, मेंबरशिप इज मस्ट टू यूज, ठीक है, तो 2 सिंबॉलिक लेटर, मेंबरशिप इज मस्ट टू यूज द 2 सिंबॉलिक लेटर, मतलब कि मेंबरशिप तो जरूरी है, मेंबरशिप तो आपको लेनी पड़ेगी। और क्या बोल के रखा है
कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट एनी न्यूली रिक्रूट इन द इवेंट ऑफ कुछ रॉन्ग डूइंग करा हो, ओनली इफ हर इफ हिज हर नेम फिगर्ड इन द रजिस्टर ऑफ ICI मेंबरशिप ऑन द डेट ऑफ सच कमीशन। तो अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आप अपना नाम पहले मेंबरशिप लिस्ट में लेकर आओ। और ये बोल के रखा है कि कोई प्री प्लेसमेंट टॉक नहीं होगा। अब पॉइंट ये है कि जो कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम था, एक तो सेप्टेम्बर अक्टूबर में हुआ था और फिर फेब मार्च में हुआ। ठीक है, एक फेब मार्च का, एक सेप्टेम्बर अक्टूबर का। तो ऐसा है कि कैंडिडेट इतने रजिस्टर हो जाए, 7459 कितने जो है, ठीक है, नंबर ऑफ जॉब ऑफर्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, कितनी जॉब ऑफर हुई थी, नंबर ऑफ जॉब्स, कितनी जॉब्स थी, कितनों ने एक्सेप्ट करा, कितने एक्सेप्ट, ठीक है, कितनों ने एक्सेप्ट किया। तो 7451 ने करा, इतने एक्सेप्ट हुए। हाईएस्ट सैलरी जो थी वो 22.9 लाख थी, और डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में 33 थी। और कुछ पार्टिसिपेटिंग कॉपरेट है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये है कंपनीज़, ये कंपनीज़ आती है, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कैसे वो इंटरव्यू लेती है, कैसे क्या करती है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट। ठीक है, तो एक ब्रीफ कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम का ब्रोशर था, जहाँ पे हमने कॉर्पोरेट्स के बारे में समझा कि कौन कौन से कंपनीज आती है, कुछ हाइलाइट्स थी, राइट। और इसमें बोल के रखा ना, जैसे कंपनीज कैन कॉल फॉर CA मेंबरशिप नंबर, क्या आप CA बन गए हो तो मेंबरशिप नंबर हमको बताओ। फिर ऑफर लेटर की बात करी, 4 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा एडवांस में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, लिमिट आप मैक्सिमम 10 टाइम तक शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो, वैकेंसी जितने आपको लेनी है उसका 10 टाइम्स तक शॉर्ट लिस्ट, कैंडिडेट के लिए 4 टाइम्स है। सिलेक्शन 2 राउंड में होंगे, ऑनलाइन शॉर्ट लिस्टिंग, तो सबकी डेट्स आपको दे के रखिए, राइट। जॉब प्रोफाइल्स अपलोड करने का उन्होंने बोला, इसके लिए पर्टिकुलर आपको साइट भी दे के रखिए, राइट। तो ये साइट की सारी इन्फॉर्मेशन आप लेकर रखो, ये साइट एक बार आप विजिट कर लो। फिर रूटीन वर्किंग आवर्स एंड जॉब प्रोफाइल आपको सब बताना है। मेडिकल एग्जामिनेशन है तो वो भी बता दो, कितना आपका क्राइटेरिया सिलेक्शन का है वो भी बता दो, रजिस्ट्रेशन का पूरा इन्होंने बता के रखा है, डेट्स बता के रखी है, राइट। एंड ये सब चीज़ें हैं। फिर वो पूरी प्रायोरिटी बता के रखी है कि ये पर्टिकुलर बिग सेंटर्स है, इनकी प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, स्मॉल सेंटर्स है, इनका प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 क्या है, राइट। स्मॉल सेंटर में मिनिमम ये 6 लाख तक गए हैं, बिग सेंटर्स में मिनिमम ये 6.5 लाख तक गए हैं। मैक्सिमम कुछ नहीं बोल कर रखा है स्मॉल सेंटर्स में, पर बिग और सेमी बिग की बात करूँ, बिग की मैं बात करूँ तो 20 लाख मैक्सिमम है, और इधर जो है 10 लाख पर एनम एंड अबव। एंड फिर मोड ऑफ पेमेंट एंड किस तरीके से इनका टैरिफ क्या है, ये टैरिफ की पूरी इन्होंने डिटेल देख रखी। तो इस तरीके से कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम का ब्रोशर हमने रीड करा, और एक और FAQ है, वो FAQ भी हम देख लेते हैं। अब ये FAQ जो है रिक्रूटिंग एंटिटीज़ के ही है, अब वो भी तो रिक्रूट करें, इनको भी पैसे जमा करने हैं, तो जहाँ पे मनी मैटर आ जाते हैं वहाँ पे FAQs आ जाते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बता के रखा है कि कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम जो फरवरी मार्च में होने, राइट, इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि बेनिफिट आप क्या प्रोवाइड करोगे। तो ऐसे जो बेनिफिट प्रोवाइड करेगा वो इस तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। इनफैक्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शॉर्ट रिक्रूटमेंट साइकिल जो 2 राउंड होते हैं वो, रजिस्ट्रेशन की स्टेप्स हैं वो स्टेप्स तो उधर भी देख रखी थी ब्रोशर में। इन्फॉर्मेशन क्या डिस्क्लोज करनी है वो भी इंटरनल सिलेक्शन क्राइटेरिया पूरा ये देख रखा है, ये भी डिस्क्लोज था। फिर नॉर्म्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ डे स्लॉट, क्योंकि उधर लिखा हुआ है, अगर आप ब्रोशर में देखो तो जैसे कि 4-5 दिन मुंबई को देके रखे, तो अलॉटमेंट ऑफ डे स्लॉट, डे वाइज स्लॉटिंग है कि इस मतलब अगर आपको 6 दिन आना है उसका अलग है, राइट। तो डे 1 डे 2 किन किन कंपनीज़ के लिए है, तो ये पूरा ब्रोशर में देख रखा है, राइट। फिर ये पूरा टैरिफ है जो मैं आपको बता रहा था कि डे स्लॉट्स, पहले तो डे स्लॉट किन किन के लिए रिजर्व रहेंगे कि आपको इस दिन आना है तो ये पर्टिकुलर नॉर्म होगा। तो डे 1 में कंपनी जो 12 लाख पर एनम, 20 लाख पर एनम, 12 लाख पर एनम, 9 लाख, 7 लाख, तो छोटी कंपनी को उन्होंने 14 दिन दिया हुआ है, राइट। और जो 6 लाख तक पे करे उनके लिए 5वां दिन, ये 5 दिन इसलिए बोल के रखे क्योंकि ये 5 दिन 6 दिन इनके लिए ही है, 5th एंड सब्सिक्वेंट डे बोल के रखा है ना, तो ये इनके लिए ही है, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। यही अगर इंदौर होता, राइट, तो इंदौर में कितना दिन है, डे 1 एंड डे 2, ऐसा कोई प्रीमियर डे भी नहीं है, डे 1 एंड डे 2। तो अगर आप देखो तो इंदौर की उन्होंने बात करके रखी, उन्होंने बोला कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है, ऐसा नहीं है कोई टास्क, ऐसा नहीं है कुछ नॉर्म
कि आपको इतना लाख पे करना ही पड़ेगा, जो भी है, बस एक मिनिमम CTC क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर लो, राइट। 6 लाख फॉर बिगर, 5 लाख फॉर स्मॉलर, तो ये सब चीज़ें हैं, राइट। और जिस दिन पे आना है उस दिन का पर्टिकुलर अमाउंट दे के रखा है। इनफैक्ट अगर आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट भी लेना है तो ICAI वो भी ऑर्गेनाइज करवा देगी, राइट। तो फी पेबल फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑन द डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट, तो रिटर्न टेस्ट तो ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हो तो 10,000 पर सेंटर है। तो उधर उधर कोई बाइफर्केशन नहीं, छोटा हो बड़ा हो 10,000 लगेंगे। मोड ऑफ पेमेंट की इन्होंने बात करके रखी है, ये उनके लिए है। फिर ये बोल रहे कि पार्टिसिपेट नहीं किया तो रिफंड मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ रिफंड का तो सीन नहीं है। फिर शॉर्ट लिस्टिंग की प्रोसीजर क्या है, बाय द रिक्रूटिंग एंटिटी। सबसे पहले जो डेटाबेस शेयर करेंगे, आप पहले फ़ी पे करो। शॉर्ट लिस्टिंग 2 राउंड में होगी, तो पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, डेटाबेस बनेगा, कंपनी कैन सी द डेटाबेस ऑफ द कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन शॉर्ट लिस्टेड सो फार, एंड रिमेनिंग कैंडिडेट का 2nd राउंड हो जाएगा, ऑनलाइन शॉर्ट लिस्टिंग होगी। और वो सारी शॉर्ट लिस्टिंग की डेट आपको बता के रखी है, वो विद इन द लास्ट डेट हो जाएगी, विद इन द लास्ट डेट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग। और कंपनी भी शॉर्ट लिस्ट करती तो कंपनी को भी शॉर्ट लिस्ट इस पर्टिकुलर डे के अंदर करना ही करना है, ठीक है। तो एक लिमिट देकर रखी, एक टाइमिंग देकर रखी, वो टाइमिंग आपको पता होना चाहिए। जितनी जॉब वैकेंसी उसका मैक्सिमम कंपनी 10 टाइम्स कर सकती है, और कैंडिडेट 4 कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट कर सकता है। फिर ये बोल के रखा है, आर देयर एनी क्राइटेरिया फॉर मिनिमम सैलरी पैकेज बाय द रिक्रूटिंग एंटिटी। मिनिमम CTC बिगर सेंटर के लिए 6 लाख है, स्मॉलर सेंटर के लिए। अब बिगर स्मॉलर क्या होते हैं, इंदौर को स्मॉलर लेके रखा है, तो बोला कि मिनिमम 5 लाख का क्राइटेरिया पूरा करो। बिगर के लिए बोल के रखा है कोलकाता, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, न्यू दिल्ली, इनके लिए 6 लाख है। और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है कि टाइमिंग जो है इंटरव्यूज़ के वो 9 से 6 रहेंगे, वर्चुअल मोड से इंटरव्यू होगा, और लिंक फॉर अटेंडिंग वर्चुअल इंटरव्यू, तो जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, कंटेस्टेड कैंडिडेट को उनकी मेल आईडी पे देंगे। इनफैक्ट जो रिक्रूटिंग एंटिटी है आपको एडवांस में 4 दिन पहले बता देगी कि कौन कौन से पैनल, नंबर ऑफ़ पैनल्स कमिंग फॉर GDE होगा आपका इंटरव्यू होगा, तो नंबर ऑफ़ पैनल्स कमिंग फॉर, कि आपका जो GDE इंटरव्यू सब होना है तो उसमें कितनी पैनल्स ऐसे आने वाली है। फिर चलो आपका सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन के बाद ऑनलाइन डिक्लेरेशन भी होना, तो कैंडिडेट का, तो कलेक्शन ऑफ ऑनलाइन डिक्लेरेशन, एंड कंपनीज कैन डाउनलोड CV ऑफ कैंडिडेट। इम्पॉर्टेंट क्या है, विल द कैंडिडेट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट ज्वाइनिंग, कि मैंने सिलेक्ट कर लिया अब इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए अवेलेबल है, तो हाँ, शैल बी रेडी टू ज्वाइन, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, अगर बोल के रखा है तो ज्वाइन करना पड़ेगा। कोई पेपर वर्क नहीं है, राइट, ये पूछे थे पेपर वर्क कोई है क्या, तो कोई पेपर वर्क नहीं है, सब ऑनलाइन हो जाएगा। फिर ये बोल के रखा है कि अगर रिक्रूटिंग एंटिटी नॉट एबल टू अटेंड द प्रोग्राम ऑन द डे अलॉटेड, जो डे अलॉट करा गया है उनको, तो रिक्रूटिंग एंटिटी नहीं आ पा रही है, तो क्या है कि जो डे अलॉट है आप उस दिन नहीं आ पा रहे हो, तो आप एक 4 दिन पहले नोटिफिकेशन, एक प्रायर नोटिफाई हमको कर दो, तो हम ICAI उसके लिए कुछ दूसरा अरेंजमेंट कर देंगे। अभी तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि कंपनीज को CA चाहिए, तो वो ICAI के पास जाते हैं, एंड देन ICAI से, ठीक है, ICAI उनको डेटाबेस देता है। अब वो उनके पास डेटाबेस आ गया, तो क्या अब कंपनी पर्सनल लेवल पर कनेक्ट कर सकती है, कि कंपनी ने सो कॉल्ड पर्सनल लेवल पर कनेक्ट कर लिया, डेटाबेस से उनको नंबर वंबर मिल गए होंगे, तो बोल के रखा है ऐसा नहीं। देखो वैसे भी डेटाबेस तो आपको पेमेंट के बाद ही मिलेगा, उसके बाद बोल के रखा है कि आप वैसे भी पर्सनल लेवल पर कनेक्ट नहीं कर सकते। फिर ये बोल के रखा है कि कुछ अगर फर्दर क्वेरीज हो तो इनके लिए ये पर्टिकुलर टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी है, इधर जाके वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो ये पर्टिकुलर कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग थी। डेट्स आपको पता है, उनकी फ़ीस तो चलो ठीक है, इंदौर की डेट्स, अलग अलग सेंटर की डेट्स आपको पता चल गई है। इस तरीके से शॉर्ट लिस्टें होंगी, 2 राउंड होंगे, आपको मेल भी आ जाएगा, तो सब उन सब चीज़ों के लिए आप रेडी रहना, राइट। अब नाउ जो जो भी कंपनीज आ रही है वो कंपनीज के बारे में आपको प्रेपरेशन करके रखनी है, ताकि फिर आपको अब समझ में आए कि कैसे आके एग्जीक्यूट करना है। हर एक कंपनी का आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल CATK।